लग रहा है इस बार चुनाव को लेके, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल तो जी कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार किसका जोर ज्यादा है, बीजेपी का है कांग्रेस का है? कुछ नहीं कह सकते हूँ, काम तो दिख रहे। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे? इस बार जी कांग्रेस का जोर ज्यादा है। कांग्रेस का जोर लग रहा है चुनाव को लेके, किसका जोर ज्यादा है चुनाव के लिए? जी हूँ तो अपने अपने सबके मन है, हम तो तकरीबन मतलब कांग्रेस के शाम होगा। कांग्रेस क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ रुझान ज्यादा है? रुझान तो बीजेपी का। बीजेपी का हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ रुझान ज्यादा है? बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत लोकसभा के जामिनी गांव में। हम चुनाव यात्रा पर है, लोकसभा चुनाव है। इससे पहले हम जींद थे, उससे पहले जुलाना थे, अब जामिनी में हैं। यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि यहां पर चुनाव को लेकर किस तरीके का मूड चल रहा है। क्या नाम है आपका? राम निवासी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए टक्कर की है इस पे। अच्छा, टक्कर की है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है अभी? ये अभी तक तो नहीं, मतलब दोनों बराबर ही है। दोनों बराबर है इस बार। यहाँ पे जींद से दिया है नाम सतपाल ब्रह्मचारी का, फायदा लग रहा है उनका? उनका फायदा ही फायदा है जी। अब कैसे? अगर जब मतलब उसी तरीके से मतलब अगर वो काम करेंगे ना। अच्छा। जिस तरीके से हम उसका नाम प्रसिद्ध है तो फायदा ही फायदा है उसका। अच्छा। क्या किस लिए प्रसिद्ध है उनका नाम, किस काम को लेके? अनुशासन है जी, मतलब उसके पास नैतिकता है, शिष्टाचार है। काम किया उन्होंने? काम तो करे है जी, मतलब काम तभी तो उसका नाम इधर आया है। नहीं मतलब क्यों कह? आपको उनका कौन सा काम अच्छा लगा? काम तो जी मतलब यार एक चीज मतलब पंचायत का है, सिस्टम है, मतलब जो जहाँ भी सार्वजनिक स्थान पाए हैं, मठ वगैरह हैं, उनके पास आए गए हैं, तो मतलब बढ़िया काम करे। तो इस बार वो भारी पड़ेंगे? हो सकता है, हो सकता है। क्या नाम है आपका? जय भगवान। क्या नाम है आपका? जय भगवान है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेके, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल तो जी कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ जा रहे हो अंकल? प्रमो। कहाँ जा रहे हो? बाल बुलवा का हुए यार। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव को लेकर यहाँ? ये तो चूड़ी चाड़ियाँ मर रहे हैं जिंदा। और चुनाव को लेकर बताइए कौन किस पे भारी पड़ रहा है यहाँ पे? बेरा जी मन कुल बेरा। आपको नहीं पता है? नहीं, हम तो काम करा हूँ जिंदार मन से। क्या नाम है आपका? राजवीर नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कड़ुआ से। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कौन? कोई आओ, हमने तो बीजेपी के देनी। अच्छा, आओ जो कोई हमने। क्या नाम है सर आपका? उत्तम। क्या लग रहा है इस बार किसका जोर ज्यादा है, बीजेपी का है कांग्रेस का है? कुछ नहीं कह सकते हूँ। काम तो दिख रहे होंगे आपको, दोनों के दिखे होंगे। हाँ? काम के बेसिस पे बताइए। काम तो किसने करवाए हैं यहाँ? केंद्र ने तो करवाए हैं काम। केंद्र ने करवाए हैं? हाँ। अच्छा, रोड़ा कनेक्टिविटी बढ़िया है। अच्छा, 152 डी है कटरा। यहीं से हैं आप? हाँ, जींद से। अच्छा, अभी यहाँ पे जींद से खड़ा कर दिया है सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आया है। हाँ। उनका फायदा लग रहा है आपको यहाँ पर? क्या लग रहा है, भारी पड़ेंगे क्या मोहनलाल बडोली पे? बस किसान भी नाराज हैं, ये तो है। किससे तो? किसान नाराज हैं? बीजेपी से तो है। बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस से खुश है? एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। हाँ, बस मोदी जी ठीक करें काम। क्या नाम है सर आपका? संजीव नाम है जी। यहीं से हैं आप? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे? इस बार जी कांग्रेस का जोर लगा जी। कांग्रेस का जोर ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे अभी सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आया है जिनसे, फायदा लग रहा है उनका? हाँ जी बिल्कुल, पूरा फायदा जी। कैसे? जी तो हमारे एरिया का जी पहली बार आया जी, की काम विकास करा, पहले सोनीपत का नहीं कहा जाकर दे। अच्छा, जी का अपने खुद का एरिया मानस आया, फर्क तो पड़ेगा। तो आपने एरिया के हैं, दो काम करवाएंगे? एरिया फर्क तो है जी, बुढ़ा रोड तक चमका दी जी, हमारा भी को होना चाहिए अड़करानिया। अच्छा, तो 10 साल से बीजेपी थी यहाँ, कोई काम नहीं हुआ? काम कुम कुछ नहीं जी, बीजेपी ने धक्के धक्के अड़क। क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव सारे देखा जी, किराया के जी बदलाव सारे पड़े, सारे बालक में फिरे जाए जी, को रोजगार नहीं है। हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? सुदेश।
कहीं जा रही हैं आप बैग लेके? हाँ, कहाँ बाहर जा रही हैं यहाँ से? ना ना अपने ससुराल जा रही हूँ। ससुराल कहाँ है आपका? ससुराल उगराखेड़ी। उगराखेड़ी क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके? हमने नहीं मेरा क्या चल रहा है आपको नहीं पता? कामकाज तो दिखे होंगे। कामकाज तो दिख रहे हैं। करवाए बीजेपी ने? करवाए कांग्रेस ने? बीजेपी तो सब नाराज रहो हैं। सब नाराज रहते हैं। कांग्रेस से खुश हैं? क्या पता, देखो आओगी सरकार है किसकी आओगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? क्या पता किसकी आओ है सरकार, नहीं पता आपको? क्या नाम है अंकल आपका? सत्यनारायण। यहीं से आप? मैं सरडे से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव को लेके, किसका जोर ज़्यादा है? चुनाव के लिए जो हूँ तो अपने अपने सबके मन है। हम तो तकरीबन मतलब कांग्रेस के शाम हो। कांग्रेस के? कांग्रेस का काम अच्छा लगा? तो वो अच्छा लगे जी ने गपाड़े है कि ज़्यादा मारे जी थोड़ा इस करके। अच्छा, से गाने मारे मोदी ज़्यादा हो करे। कैसे? और कोई भी काम उस बदल चुका न्यू करा कराने की में है। सर कहने कहने के लिए क्या कुछ नहीं? ना करने के। कांग्रेस करेगी? देखो नहीं करेगा तो शुरू तो जो भी करे कांग्रेस ने कराया नहीं तो क्या कर दिया हमारा। कांग्रेस ने काम कराया 10 साल से बीजेपी, तो उन्होंने कोई काम नहीं कराया? जो भी कराया उसी ने कराया, जिसने भी कराया ना। क्या नाम है अंकल आपका? सुल्तान नाम। क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कौन आ रहा है? हम तो मजदूर आदमी आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई वो नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम ईश्वर। क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, क्या लग रहा है किसका जोर ज़्यादा है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, किसी और का, क्या लग रहा है? अभी तक तो भाजपा है। भाजपा है? भाजपा का जोर है यहाँ पे ज़्यादा? अभी तो कैंडिडेट आए हैं। अभी आए हैं? अच्छा, काम काज के ऊपर बताएं किसका काम बेहतर लगा? काम तो बेहतर बहुत ही नहीं कराया है। अच्छा, किसने करवाया? मोदी ने करवाया है यहाँ पे, सभी भारत में, यहाँ पे नहीं पूरे भारत में। यहाँ की बताइए, यहाँ अलग से काम थोड़ा करेगा। अच्छा, को अलग से एक आध बंदे का विकास कार्य की बात? हाँ, विकास कार्य तो पूरे भारत का मोदी ने कराया। लोकसभा के होंगे जी? लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। कहाँ से हैं आप? जामनी से। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके? माहौल का तो के बेरा लग गया जी, मामकुण से। अच्छा, इतने हुए नहीं रखते। अच्छा, किसका जोर ज्यादा है, बीजेपी की और रुझान ज्यादा है, कांग्रेस की? फिलहाल तो दोनों की आधी आधी बता रहे, आधी आधी बटेगी। और काम काज की बात करें तो किसके बेहतर लगे? देखो जी, काम काज तो आगे देखेंगे अभी, किसने पिछले काम काज की बात कर ले? पिछला तो ठीक ठाक हुआ है, लोग मूर्ख बना दिया जनता का जमा। किसने मूर्ख बनाया जनता का? मोदी ने बना। और कैसे बना गया जी? किसमें मूर्ख? रोजगार तो किसी ने दिया नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ कहने के लिए रोजगार है, दिया नहीं है? हाँ, दिया नहीं रोजगार, कहने में बस छोटी छोटी दे दी नौकरी में, किमें फायदा है? अच्छा, बड़ी भी नौकरी होनी चाहिए बच्चा ने, मतलब दिखाने के लिए छोटी मोटी नौकरियाँ दे दी। हाँ, बस दिखाने के लिए, और कोई काम नहीं किया यहाँ? ना, कोई बढ़िया नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक। राम राम ताई। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हो आप, कहीं जा रही हो? कंटोली जा रही हूँ। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का लेकर हमने बेरा कोई नहीं। अच्छा, काम किसके अच्छे लगे, बीजेपी के लगे, कांग्रेस के लगे, किसके लगे? बीजेपी के। बढ़िया। बीजेपी के लगे? कौन सा काम अच्छा लगा बीजेपी का? सारे काम बढ़िया है। अच्छा। तो बीजेपी आएगी इस बार? जो कुछ बढ़ जाएगा ना। हाँ। वो है बात, वो बढ़िया पे के। अच्छा, करना है गुजारा करना आप ना, तो हो रहा है, हो रहा है, सब बढ़िया। आप बोलिए, आप बोल रहे थे। ताई को तो बोलने नहीं दिया आपने। हाँ बोलो। हाँ, क्या लग रहा है इस बार, किसकी तरफ रुझान ज्यादा है? रुझान तो बीजेपी का। बीजेपी का? आधे लोग तो आप कांग्रेस का बोल रहे हैं, आप बीजेपी का बोल रहे हैं? लोगन कहने देगा, हम तो बीजेपी का वोट देंगे। बीजेपी का वोट देंगे? हाँ। क्या कौन सा काम अच्छा लगा बीजेपी का? बीजेपी के सारे काम है, हिंदुस्तान जमा सारे देश का मुझना कर रखे। अच्छा, ये तो क्या नाम है सर? मेरा निर्मल है। क्या लग रहा है इस बार, किसकी तरफ रुझान ज्यादा है? बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है? क्या चीज देख के बोल रहे हैं? बीजेपी ने सब कुछ कराया जी। अच्छा, मेरा भाई लग गया ऊपर ही में लग गया। अच्छा, आर्मी में। अच्छा, लेकिन अग्निवीर तो 4 साल की कर दी। नहीं, अग्नि करे जाओ, वो तो पहले लग रहे ना। अच्छा, पहले से लग रहे हैं। वो तो पक्के है, फाइनल है। और मेरे भी चांस है। अच्छा, आपके भी चांस है, इसीलिए बीजेपी की तरफ।
ये थे जामली गांव के लोग, जहां पे हमने इनसे चुनाव को लेकर बातचीत की। सब ने अपनी अपनी राय रखी, कोई कह रहा है बीजेपी का रुझान है, कोई कह रहा है कांग्रेस का रुझान है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लग रहा है कि किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है, कौन आ रहा है। इसी तरह की चुनावी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अलख हरियाणा।